Very good morning all of you and welcome to Drashti PCS. Allahabad High Court ARO के लिए जो पोस्ट निकली है उसके बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ बट फिर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो मुझे मजबूरन ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोगों से मेरा सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगी के ओ लेवल के समकक्ष क्या है, क्या ट्रिपल सी चल जाएगा, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, बुक कौन सी यूज करनी है, बुक कौन सी लेनी है कि एक बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसका विद इन 6 मंथ में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो विद इन 6 मंथ में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें सिर्फ मैं ARO के लिए डिस्कस करूंगी, APS के लिए जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि फिर से लोग अलग से पूछते हैं, ठीक है। तो APS के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये ARO के लिए है, इसमें आप लोगों के लिए डिटेल में मैं बताऊंगी। और सॉरी, ड्राइवर के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है तो उसके लिए आप खुद देख लीजिएगा। ARO के लिए इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इसके समकक्ष कौन सी डिग्री है, बीटेक भी और CSIT वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वीडियो को बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, ओके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बहुत जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस है, रिजर्वेशन अदर देन UP, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, CSIT अदर इंजीनियर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए ये जो अदर स्टेट वाले ये फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन सिर्फ यूपी वालों के लिए है, अदर देन यूपी वालों के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, चाहे वो SC में आते हो या ST में आते हो या OBC में आते हो या स्वतंत्रता सेनानी हो। तो उसके बारे में फिलहाल इसमें कोई दिया नहीं गया था कि स्वतंत्रता सेनानी तो सभी का होता है, तो इसमें जो अदर देन यूपी है उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन सिर्फ यूपी वालों के लिए है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो भी सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा, अदर देन यूपी वालों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था CSIT वाले, ये जो CSIT और या अदर इंजीनियरिंग ब्रांच वाले हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं। देखिए CSIT वाले दोनों ही एलिजिबल हैं। और रही बात इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों की, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वालों से मैं आपको एक बता दूं कि आपने अगर CCC का सिलेबस देखा होगा तो आप उस CCC के सिलेबस को उठाइए और अपने सिलेबस से मैच कीजिए, जिन्होंने एक साल का डिप्लोमा या फिर एक साल में पढ़ रखा है अगर वो मैच होता है तो आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये UPPCS RO ARO का जो एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा लीनियंट है, इसमें इतना नहीं देखते हैं कि आपको CCC सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए है। अगर आपने कंप्यूटर में कुछ कर रखा है, वो CCC सर्टिफिकेट का जो भी कोर्स है उसको पूरा एक्वायर करता है, पूरा कंप्लीट करता है, तो आप लोग एलिजिबल हैं, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि ये NLIT क्या है और इसके समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां हैं, ठीक है। तो NLIT है, देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये इसको संचालित करती है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, ठीक है, ये इसको संचालित करती है। अब इसके मैं आपको बता दूं क्या क्या लेवल है, तो जो ये जो जितने भी इसमें लेवल मैं बता रही हूं ना सब आप लोगों के लिए मान्य होंगे। ग्रेजुएट लेवल BSc BA BCom होता है, पॉलिटिकल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और NLIT ओ लेवल एक साल का होता है। NLIT जो A लेवल होता है वो 1 ईयर प्रोग्राम होता है, BTech जो होता है और MCA, ये सब सभी जैसे कि इसमें बी जो NLIT बी लेवल भी होता है, ओ लेवल भी होता है, ए लेवल भी होता है और सी लेवल भी होता है, ठीक है। जो ए लेवल होता है वो आप लोगों का बैचलर डिग्री के बराबर होता है, और जो बी लेवल होता है वो MCA के बराबर होता है, और जो सी लेवल होता है वो MTech या ME के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों के लिए इसमें आप लोग इन जो जिसने ये कर रखा है वो एलिजिबल हैं। जैसे कि किसी ने PGDCA कर रखा है वो एलिजिबल है, किसी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ले रखी है वो भी एलिजिबल है, NLIT कर रखा ओ लेवल कर रखा है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है अगर आपने,
इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है CSIT से, और अगर किसी इंजीनियरिंग में आपका एक साल में कोई कंप्यूटर कोर्स रहा हो तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। MEMET वाले बी लेवल, MCA, MSc अगर कंप्यूटर में कर रखा है, MCA वाले भी एलिजिबल हैं, ये सभी एलिजिबल हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए CCC के अलावा ये सभी PGDCA, ये सभी लोग एलिजिबल हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, हमारा क्या क्या एग्जाम में मोस्ट पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया, सब कुछ। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। देखिए, इसमें ये सब पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया था। ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मतलब CSIT वाले एलिजिबल हैं। यूनिवर्सिटी ओ लेवल, अगर ओ लेवल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो CCC भी चल जाएगा, CCC के समकक्ष जितनी डिग्रियां हैं वो चल जाएंगी, आप लोग इतना मत घबराइए। UPPCS का अलग होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, यहाँ सिर्फ लीनियंट है और उतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस था कि इसका जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो रिटर्न होगा कि उसमें प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ARO के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जाता है, बुक कौन सी यूज करनी है जिससे हमारा एक बार में सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम रिटर्न एग्जाम की बात कर लेते हैं, स्टेज वन होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और OMR शीट पर होगा आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 200 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब करंट अफेयर पूरा आपसे पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ UP भी पूछा जाएगा, ठीक है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा और नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और हिंदी भी पूछा जाएगा। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी है तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश की तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, कंप्यूटर की आपको पढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने CCC सर्टिफिकेट ले रखा है या कुछ कंप्यूटर में कर रखा है तभी आप ये फॉर्म फिल करेंगे। दूसरी बात, इसमें जनरल साइंस काफी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो काफी क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। उसके बाद एनवायरमेंट का सेक्शन, हिंदी इंग्लिश का सेक्शन मैं करवाऊंगी, करंट अफेयर का सेक्शन मैं करवाऊंगी और बहुत ही जल्दी हम शुरू करेंगे, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि विद इन 6 मंथ में इसका रिजल्ट आकर सारी प्रोसेस होकर उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप लोगों को तैयारी हार्डवर्क भी बहुत अच्छा करना है क्योंकि जॉब भी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो आपको बहुत अच्छे से इसमें तैयारी करनी होगी और अभी से तैयारी करनी होगी, इंस्टीट ऑफ आप ये सोचे कि नहीं डेट आ जाने दीजिए उसके बाद हम तैयारी करेंगे, बहुत जल्दी इसका एग्जाम होगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि नहीं हम तभी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो लोग होते ना ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम आने के कुछ दिन पहले ही पढ़ लेंगे, वो हम लोग ग्रेजुएशन टाइम में ऐसा करते थे कि एग्जाम की एक रात पढ़ लिया और पास हो गए, बट यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है और काफी कॉम्पिटिशन होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको शुरू से ही तैयारी करनी होगी। ओके, तो अगर आप कहेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है, अब ये बात आती है कि हमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में क्या होगा, 50 नंबर का होगा। 50 नंबर में क्या होता है, आपको एक टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में ये है, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग 15 मिनट का होता है, 50 मार्क्स होते हैं, कैंडिडेट को इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड देते हैं और आप लोगों को 500 वर्ड में ये डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए इतना कुछ नहीं, आप लोगों को होता क्या है कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिए, आप जैसे कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर ही मिलेंगे ना, उनको ही टाइप करना होगा, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए हाई कोर्ट्स के ऑर्डर टाइप करने की, तो उसमें होगा क्या कि आप लोगों को वर्ड्स भी रटर पड़े रहेंगे, उंगलियां भी साथ साथ चलती रहेंगी और दूसरा आप लोग दूसरे लोगों से काफी अच्छा, काफी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है, तो उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप लोग अभी से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, वर्ड्स तो सेम बहुत सारे वो ही रहेंगे ना, बहुत सारे वर्ड्स चेंज तो होंगे नहीं, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अपने ये टाइपिंग टेस्ट की, तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि
देखिए, जहाँ तक हमने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में और बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया है कि आपको डिग्री होना चाहिए, ये सब इसके पहले वाले वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, इसके बारे में और कोई बात नहीं कर सकते। तो बुक्स के बारे में हम बात करें तो देखिए, आपका ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आप कोई भी साल भर की एक बुक ले लीजिए, जो वन ईयर करंट अफेयर आता है ना उसकी एक बुक ले लीजिए कोई भी। ज्यादातर मेनली यूपी वाले करते क्या, घटना चक्र लेते हैं, काफी अच्छी है और बहुत सारे एग्जाम्स में उसमें से फर्स्ट भी जाते हैं। तो घटना चक्र है, मैं तो आपको पढ़ा ही दूंगी कुछ करंट अफेयर, तो हम लोग सीरीज चली जाएगी। फिर भी अगर बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं हमें बुक से पढ़ना है, तो आप घटना चक्र ले लीजिए। रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए आप ले लीजिए करंट अफेयर, सॉरी जीएस के लिए आप ले लीजिए ल्यूसेंट की, ठीक है। ल्यूसेंट की हो जाएगी, ये सब आप लोग को जनरल साइंस हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उससे काफी अच्छा हो जाएगा। और रही बात आपके एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में होता है क्या कि बहुत सारे ऐसे डेट होती हैं, तो कुछ जो मतलब जैसे बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया, या फिर बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया, हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये जो संरक्षण अधिनियम है एज इट इज मैं आपको 4-5 पेज का एक वीडियो बना दूंगी, उस वीडियो को आप रट लीजिएगा, मतलब 10 से 15 बार आप देख लीजिएगा, आप लोगों का काम हो गया। नहीं तो अगर आपके पास कोई और नोट्स हैं तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, जैसा भी आपको बेटर लगे, पर ये है ये जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश का जो पैटर्न है वो उसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको सारे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिए हैं, फिर भी कुछ रह जाता है, तो जो इस वीडियो में मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ या फिर इसके पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ, उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इन सब के वीडियोस में जहां तक हो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।